हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल टाइमलाइनर्स मीडिया। सो आज हम आ चुके हैं सलासर बालाजी धाम। हम लोग रुके थे चमेली देवी धर्मशाला में, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। एंड लेट्स सी कैसा रहता है आज का दिन। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। तो हम निकल गए बालाजी धाम के दर्शन करने के लिए, बट फोन एंड कैमराज अलाउड नहीं थे, सो हम अंदर का ज़्यादा कैप्चर तो नहीं कर पाए। जितना कर पाए उतना मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। और दर्शन हमारे बहुत बढ़िया हो गए एंड दर्शन करके हमने सीधा अपनी गाड़ी दौड़ा ली खाटू श्याम जी की तरफ। लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से बहुत ज्यादा रश था। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करके हम निकल गए जयपुर की तरफ। मौसम बहुत अच्छा था उस दिन। हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर द पिंक सिटी एंड हम लोग रुके हैं एक बहुत अच्छे होटल में। बहुत डिसेंटली प्राइस था और हमें बहुत अच्छी रेंज में मिला। ऊपर से एक फ्री अपग्रेड भी दे दिया इन लोगों ने, मतलब कुछ भी, दिल खुश हो गया। इसका नाम है सिग्नेट होटल। ये जयपुर के आउटर पर ही पड़ता है एंड रूम का तो मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ कैसा रूम है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत डिसेंटली प्राइस था यार। मतलब लग्जरी फील आ रही है एंड ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा। अब मैं आपको रूम टूर दिखाता हूँ जो हमने बुकिंग करी थी सिग्नेट होटल में, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो लेट मी शो यू माय रूम व्यू। And guys, if you really liking this series, please like, comment and subscribe. हम लोग जाने वाले हैं चौकीधानी एंड वैसे भी सबको पता ही है जयपुर आगे चौकीधानी नहीं जाएगा तो बंदा कहाँ जाएगा। मतलब मार्केट भी अच्छे हैं यहाँ, हवा महल है, जल महल है, बट यार चौकीधानी यहाँ के सारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। सो हम लोग अब जा रहे हैं चौकीधानी। जयपुर में खाना खाने के बाद एंड इधर उधर टफरी मारने के बाद, कुल्फी खाने के बाद, अब बारी आती है शॉपिंग करने की। सो जयपुरी कुल्फियों की तो वैसी भरमार जयपुर में बहुत ज़्यादा है। सो कुछ ना कुछ तो लेना बनता ही है घर के लिए।
सो अभी हम लोग वहीं जाने वाले हैं एंड इस वक्त भी अभी रात के 11 बज रहे हैं एंड अभी भी मार्केट देखो यार, जयपुर सुंदर बहुत है यार, बट रश बहुत आ रहा है। तो अभी हमें हवा महल के एकदम बाहर, ट्रैफिक अभी तक देख लो कितना ज़्यादा है भाई साहब। बाकी जयपुर पूरी रात चलता है आई थिंक। अभी अभी मैं गया पंडित कुल्फी वाला के पास एंड सच में मुझे कुल्फी मिलगी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये सोच रहा था मुझे कुल्फी मिलेगी या नहीं, बट सच में जयपुर की रौनक तो जयपुर ही जानता है। एंड दिस इज डे 3, हम लोग रेडी हो चुके हैं जयपुर को और एक्सप्लोर करने के लिए। बट बिफोर दैट ब्रेकफास्ट तो बनता है ना यार, पेट भी तो बहुत भूखा है। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन माय ब्रेकफास्ट नाउ। एंड अब हम जा रहे हैं बिरला टेम्पल सबसे पहले, दैट्स आवर फर्स्ट लोकेशन। एंड आज ही हम लोगों ने घर भी वापस जाना है, सो लेट्स सी हाउ वाज द डे। सो होटल को कर दिया हमने टाटा बाय बाय और हम लोग निकल गए हैं अपना घूमने के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बिरला टेम्पल एंड इसके पीछे एक फोर्ट भी है, बहुत अच्छा है। यहाँ सुनने में आया कि यहाँ वॉर हुई थी। जस्ट हैव अ लुक, लुक एट द टेम्पल, द मार्बल। तो बिरला टेम्पल बहुत अच्छा था, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं एंड अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा जल महल की तरफ। लाइक हम लोग एक लोकल फ्लाइट टीम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुझे लेक्चर डालने की कोशिश कर रही है। बी हैप्पी अबाउट इट। एंड बिरला टेम्पल के बाद हम लोग पहुंच गए सीधा हवा महल, जिसे रेड और पिंक कलर के सैंडस्टोन से बनाया हुआ है। हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया था 1799 में। हवा महल को घूमने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ की एंट्री फी देनी होगी, बट यस बहुत सुंदर बना हुआ है। हम पहुंच चुके हैं जोरी बाज़ार, जो यहाँ की मोस्ट फेमस मार्केट है, यहीं से कनेक्टेड है बापू बाज़ार। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या करने को है। वैसे तो यहाँ शॉपिंग के लिए है काफ़ी कुछ, मुझे अपने लिए कम लग रहा है बट मम्मी कृतिका और सोनम के लिए ज़्यादा लग रहा है। आज 15 अगस्त है और यहाँ पे बहुत अच्छा बना रहे हैं। हर 2-3 किलोमीटर में मुझे कोई ना कोई दिख रहा है जो कि फ्लैग होस्ट करता हुआ दिख रहा है मुझे। अब हम लोग आ चुके हैं बापू बाज़ार में, जिसके नज़ारे दिखा देता हूँ मैं आपको। रश बहुत ज़्यादा है वैसे यहाँ पे, इंडिपेंडेंस डे की वजह से सारा सजाया हुआ है काफ़ी। ये बेसिकली जयपुर की एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको सारा जयपुरी टच ही मिलेगा, चाहे आप कोई कुर्ती लेना चाहो, कुछ खाना पीना जाओ। सो शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच गए लस्सी वाला की शॉप पर, जिसको 1944 में मैंने बनाया था।
वैसे तो आई एम वेरी डाइट कॉन्शियस बट आई थॉट टू हैव शुगरी लस्सी सॉल्टेड भी मिलती है यहाँ एंड लिटरली इट वॉज वेरी अमेजिंग एंड यम्मी. तो आफ्टर ऑल दिस हम लोग अब जा रहे हैं आमेर फोर्ट के लिए. लेट बहुत ज़्यादा हो गए, एक बजी गया है यार. सो लेट सी कितना टाइम लगता है. रास्ते में हम लोगों ने सोचा कि जल महल भी देख लेंगे क्योंकि वो हमारे वे में ही आता है एंड जयपुर से आई थिंक घर पहुँचते पहुँचते दो तो बज ही जाएंगे हमें. तो यहाँ से निकलने के बाद हम निकल गए आमेर फोर्ट की तरफ जिसके वे में ही जल महल भी आता है. बट जल महल हम इतना अच्छे से नहीं घूम पाए बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. हाँ, और हमें 2 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा लग गया था बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड. तो जल महल को बाहर से घूमने के बाद इतने ट्रैफिक में फंसने के बाद हम पहुंच गए आमेर फोर्ट. नज़ारा ही बहुत अमेजिंग था आमेर फोर्ट का. और आमेर फोर्ट में इतना ज़्यादा रश था बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड जिसकी उम्मीद भी नहीं थी एंड ऑल्सो इतनी ज़्यादा हाइट पर था. वी थॉट कि अब हमें यहाँ से थार बुक करके जाना चाहिए. सो 650 रुपीज़ की हम लोगों ने थार बुक करी जो हमें सीधा पैलेस पे बाहर लेके चली गई. तो आमेर फोर्ट में इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल टच था कि हमें रियलाइज़ हुआ राजा महाराजा अपनी शान और शौकत के लिए क्या क्या नहीं करते थे.